हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू में बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आप लोग के लिए लेके आई हूँ, जो आप लोग रेगुलर कमेंट कर रहे थे कि दीदी नर्सिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करे या जीएनएम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करे। तो बस दिल थाम के बैठिए, इसी रिलेटेड ये वीडियो है, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखें, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, कितने आवर्स का पढ़ाई करें और कौन सी बुक से करें। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। पहले तो जो 11th 12th के एग्ज़ाम दिए, जो मींस फ्रेशर है या 11th 12th में है या 12th एग्ज़ाम देने वाले, उस लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि वो लोग पहले सबसे पहले 11th 12th का जो सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी का बुक, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से अलग नहीं रहता, एनसीईआरटी से ही रहता है। इसलिए पहले 11th 12th का सारा जितना भी कोर्स है, सिलेबस है, उसको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। और जो साइंस लेके सब्जेक्ट पढ़ा उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा वो सब्जेक्ट, क्योंकि सारे क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इसी से रहते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपका 10th जो है 10th से कुछ क्वेश्चंस रहता है, मतलब बहुत टफ नहीं, इजी थोड़ा बहुत, मतलब बोला जाए तो उसका भी सिलेबस लिया जाता है। आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से पूछा जाता है और रीजनिंग भी पूछा जाता है, इसमें बहुत टफ रीजनिंग नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको जनरल नॉलेज, बेसिक जो जनरल नॉलेज है वो आपको आना चाहिए, और रीजनिंग क्वेश्चन, ये सारे कुछ आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है, मतलब प्रिपरेशन क्या करना है एग्ज़ाम के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि कितने आवर्स तक पढ़ाई करना चाहिए हम लोग को। ऐसा तो कुछ नहीं है कि कितने आवर्स तक, अगर आप 10 आवर्स भी पढ़े या 12 आवर्स भी पढ़े, लेकिन अगर आप ध्यान लगा के नहीं पढ़ रहे तो वो तो कोई फ़ायदा नहीं करता है। इसलिए सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है पढ़ने का, कि कितना आवर्स और कौन कितना जल्दी कैप्चर कर रहा है माइंड में। लेकिन अगर मिनिमम का बात करें कि 7 to 8 आवर्स का तो पढ़ाई होना चाहिए, चाहे वो 11th 12th में भी है या 10th में है, तो इतना तो पढ़ना चाहिए अपना जो सेल्फ स्टडी, ऐसा नहीं जो ट्यूशन हो गया, स्कूल हो गया, इस सबको, ये सबको इग्नोर करके, मतलब कोशिश करना चाहिए कि हम लोग को इतना आवर्स, मतलब 7 आवर्स, 6 to 8 आवर्स तक हम लोग पढ़े, सारा अपना सेल्फ स्टडी करें। तो सबका अपना अपना कैपेसिटी है और कैप्चरिंग पावर भी सबका अपना अपना है, कोई ज़्यादा पढ़ रहा था, कोई कम पढ़ता है, लेकिन जो भी पढ़ना है ध्यान से पढ़ना है और हमेशा रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं कि मैंने आज जो पढ़ा वो कल, उस चीज़ को रिवीजन ही नहीं करोगे आप तो आप भूल जाओगे। इसलिए आपने जो भी आज पढ़ा है वो जब कल दूसरा टॉपिक पढ़ने जाओगे तो उससे थोड़ा देर आपको पहले जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेना है, उसके बाद ही आगे जाना है। तो समझ में आ गया होगा कि आप कितने आवर्स आपको पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है कि दीदी आपने कौन से बुक से प्रिपरेशन किया था। तो मैं बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि इस बुक से पढ़ने से ही आएगा। अगर आपका जो भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल, बहुत सारे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम का मिलेगा, लेकिन अगर आप बेसिक सिलेबस ही नहीं पढ़े रहोगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सेम मल्टीपल क्वेश्चन वही तो नहीं आते, उस टॉपिक से उसमें क्वेश्चन बनाया जाता है, और आपने कितना पढ़ा है और उस टॉपिक का कुछ थ्योरी भी रहता है तो उससे आप पढ़ के और उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि कौन सा बुक से में पढ़ेंगे तो उसी से, आप बस उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आपको कितना प्रिपेयर हुआ है एग्ज़ाम के लिए और कितना करना है या कितने आवर्स में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, बस यही हेल्प करता है। और अगर एक्चुअल में अगर बुक आपको जानना है कि कौन सा बुक ले, तो एरियन का एक बुक आता है जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो आप उस बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन सारा टॉपिक आना चाहिए, बस उसी बुक को क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बेसिक में तो प्रिफेयर करूँगी जो एनसीईआरटी का बुक है, वो बेस्ट बुक है, जिसमें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सारा कुछ लिखा हुआ है, और आप, मतलब काफ़ी है आपके लिए।
तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल हुआ होगा। आप लोग जो क्वेश्चन आप लोग के डाउट्स हो रहे थे वो क्लियर हो चुके होंगे, और अगर कुछ भी और डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, या और किसी टाइप का आपको वीडियो चाहिए तो वो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।